गाइस वो यूट्यूबर है ना अमित भाई, वो सिर्फ बातें करते हैं कि रेड क्रिमिनल को कोई स्कार दे दो, खुद क्यों नहीं दे देते। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी अभी गाइस मैं सोकर उठा हूँ और पूरी रात जाग के ब्लॉग एडिट कर रहा था और अभी मैं नहाने जा रहा हूँ। तो सर सड़ते हैं। तो गाइस आपको तो पता ही है मेरे हेटर्स कमेंट करते रहते हैं कि मैं नहाता नहीं हूँ, तो मैंने नहाना भी शुरू कर दिया। पर अब तो इन्होंने हद कर दी है, बोल रहे है कि रेड क्रिमिनल ब्रश क्यों नहीं करता, नहाते वक्त साबुन क्यों नहीं लगाता, रेड क्रिमिनल टट्टी क्यों नहीं करता। गाइस ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं वो आप सबको दिखाना नहीं चाहता। और मेरी अंबुजा सीमेंट वाली मौसी ने भी बोला है कि हेटर्स को इग्नोर करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो गाइस अभी मैं नहा धो के आ गया हूँ और अभी खाना खाने का टाइम हो गया है। तो मम्मी ने मस्त दाल टमाटर ककड़ी और चिप्स दी है, तो जल्दी से खा लेता हूँ। तो गाइस मैं अभी खाना खा के नीचे आया हूँ तो देखा मेरे फैमिली मेंबर्स वो वीडियो देख रहे है। अरे वो यूट्यूबर है ना देसी गेमर्स अमित भाई। अरे नहीं वो मैं सब चीज़ इसको रेड क्रिमिनल को कोई इजगार दो, वो ऐसे खुजा रहा है देखो। अरे ये क्या बात हुई, मैं इस गार्ड का क्या करूंगा अमित भाई। बाबू मोसा अगर पहले इस गार्ड ले ली होती तो तू आज लाल नहीं होता। अरे क्या मतलब मैं लाल नहीं होता। अरे हाँ बेटा तू पहले पिंक क्रिमिनल था पर खुजा खुजा के रेड क्रिमिनल हो गया है मेरे लाल। गाइस यार अभी मेरे को पता चला कि इस गार्ड की मेरे को सच में जरूरत थी। और देखो आपकी जरूरतें आपको ही पूरी करनी पड़ती है। ये अमित भाई को ही देख लो, उन्होंने अपने वीडियो में बोला कि कोई रेड क्रिमिनल को इस गार्ड दे दो, कोई नहीं आया मेरे को इस गार्ड देने। ये अमित भाई सिर्फ बातें ही करते हैं कि कोई रेड क्रिमिनल को इस गार्ड दे दो, वो खुद भी आ सकते हैं ना मेरे को इस गार्ड देने। वो देख रहे थे वीडियो में कि मैं खुजा खुजा के लाल हो गया फिर भी इस गार्ड देने नहीं आई। और एक दिन बाद ओए। अरे रेड क्रिमिनल शायद यही रहता होगा। अरे सुनिए ग्रेनी जी, रेड क्रिमिनल का घर यही है क्या? बेटा बिमल दे दे तो बताऊंगी। अरे ये क्या बात हुई, अब मैं बिमल कहाँ से लाऊं? अरे ग्रेनी किससे बाहर बात कर रही है, ग्रेनी कौन आया है? अरे ये तो अमित भाई है, आइए आइए अमित भाई, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। अरे आदम रेड क्रिमिनल यही रहता है ना तुम्हारे साथ? हाँ यही रहता है, और ग्रेनी ने पक्का आपसे बिमल मांगी होगी, उनकी ना उम्र हो गई है, प्लीज उन्हें माफ कर देना। अरे आदम मैं समझ सकता हूँ, वो बुजुर्ग है ना तो होता है ऐसा। आदम ने तो मेरा नुकसान करवा दिया बिमल। आइए अमित भाई मैं सारे फैमिली मेंबर से मिलवाता हूँ आपको। ओए बाबू लगता है घर में कोई मेहमान आया है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ये हमारे मौसी का लड़का हिपू है और ये मम्मी है और उनके बाजू में दादी। नमस्ते बेटा बीमा। ये ताऊ जी है और वो उनका बेटा छोटू और वो सामने रेड क्रिमिनल के पापा। अरे नमस्ते सबको। और ये अमित भाई है। अरे मैं जानता हूँ शर्मा जी को, चल बेटा आजा 1v1 कस्टम करते हैं। अच्छा मजाक कर लेते हो चाचा। और हाँ हमारे पेट कम फैमिली मेंबर से मिलवाता हूँ। पीगू पीगू ये देखो अमित दाई है। ओए अमित भाई बिग फैन, ओए अमित भाई बिग फैन, ओए बंदे का काम तमाम। ओए वाह अच्छी फैमिली है आपकी, वैसे रेड क्रिमिनल कहाँ है कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ओए रेड क्रिमिनल नीचे आ। हाँ आ रहा हूँ, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे ये क्या अमित भाई, असली अमित भाई हो क्या, भी बेस्ट दिखाओ। अबे नुबड़े क्या बकवास कर रहा है, असली अमित भाई हूँ मैं, बंदे का काम तमाम। हाँ यार असली हो अमित भाई, बिग फैन भाई बिग फैन, आप तो मेरी इंस्पिरेशन हो। अच्छा मैं इंस्पिरेशन हूँ, पर तू व्लॉग में तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे तू मुझे जानता ही नहीं है। बोल रहा था कि वो एक यूट्यूबर है देसी FF देसी गेमिंग। अरे अमित भाई वो तो मैं यूं ही फ्लैक्स कर रहा था यार, इसे सीरियसली मत लो। जैसे सारे यूट्यूबर्स करते हैं वैसे कैसे आना हुआ? हाँ मैं तो भूल ही गया, तुझे इचकट देने आया था, जरूरत थी ना तुझे। अरे वाह अमित भाई ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने, मुझे इसकी जरूरत तो थी, थैंक यू। और हाँ अमित भाई आप बोल रहे थे ना कि फियरलेस को शॉर्ट वाले यूट्यूबर से दुश्मनी है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। गाइस भाई फियरलेस मैन को शॉर्ट्स वालों से क्या दुश्मनी है बे, तभी नितिन को पोक किया, अभी ये ग्रेजुएट को पोक कर रहा है।
नहीं अमित भाई यार, पोक नहीं वो तारीफ थी। शॉर्ट्स यूट्यूबर की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बिचारे बहुत मेहनत करते हैं, रोज शॉर्ट डालते हैं, हम सबको एंटरटेन करते हैं। और वो ग्रेजुएट भाई ने सच में छोटी सी उम्र में ग्रेजुएशन कर ली है। ग्रेजुएट भाई, सेल्फी भाई बहुत अच्छा शॉर्ट बनाते हैं, जन्नत दिखा देते हैं शॉर्ट में। उनकी वीडियो सीधा हार्ट टच करती है, कुछ और नहीं। बच गया नुबरा, वरना आज तो पक्का इसका काम तमाम कर देते। अच्छा ठीक है, और चल मैं तुझे इजगार्ड लगवा देता हूँ, वरना तू कल के व्लॉग में बोलेगा कि अमित भाई सिर्फ इजगार्ड देते हैं, लगवा नहीं देते। अरे नहीं नहीं अमित भाई, मैं खुद लगा लूंगा, इसकी क्या जरूरत है। नहीं मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। पिंकी या तो जरा इसे ट्यूब लगा दे। ठीक है अमित भाई, अब आप इतना बोल ही रहे हो तो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। लगवा दो इजगार्ड मेरे को। ठीक है भैया जी, इसकी सारी खुजली मिटा दूंगा इजगार्ड से। अबे तू कौन है, क्यों आया इधर, पिंकी कहाँ है? अरे मैं ही तो हूँ पिंकी भाई, पिंकी भाई प्रो FFYT। सारे मर्द होकर लड़कियों वाले नाम रखता है सड़ाजा नूबड़ी के। नहीं भैया, हम ट्यूब लगाए बिना तो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है तो तू रुक, मैं सड़ा जाता हूँ। ओए भाग भाग डीके नूबड़ी के, नूबड़ी के नूब, भाग भाग नूबड़ी के भाग। ओए अरे भैया जी, वो तो भाग गया। अबे तो मेरा मुँह क्या दिख रहा है, जा पकड़ उसको। ठीक है भैया जी, अभी पकड़ता हूँ। अरे सारा जमाना ओल्ड फ्री फायर का दीवान ना, जमाना कहे फिर क्यों, बुरा है दिल लगाना। अबे ये तो माइकल है ना, क्या माइकल कैसा है? आज मौसम बड़ा सुहाना है, मुझे ओल्ड फ्री फायर से दिल लगाना है। पीगू चल चाय बना, मुझे प्यास लगी है। अबे आदम, ये माइकल मेरे को इग्नोर क्यों कर रहा है? अरे अमित भाई ऐसी बात नहीं है, आज उसने थोड़ी पी रखी है, क्योंकि उसकी बीवी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। अरे क्यों निकाल दिया बेचारे को बाहर? अमित भाई आपकी वजह से, आपने उसको नशेड़ी बोल दिया था ना, तो उसकी बीवी ने गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया। ये माइकल अमिताभ बच्चन को देखो भाई, ये नशे में झूल रहा है भाई, इसको ध्यान से देखो भाई, इसका आँख देखो, ये क्या कर रहा है ये देखो। अरे वो तो मैंने यूं ही बोल दिया था। कोई ना बाबू मोसा, वैसे मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ, क्या आप मेरे ब्लॉग में आओ? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, जरूर आऊंगा। यो फैम व्हाट्सअप, तो आज हमारे साथ अमित भाई आए हैं। तो गाइस आपको एक सच बात बताऊँ, अमित भाई बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत हम्बल, एकदम डाउन टू अर्थ। अरे अरे थैंक यू भाई यार, इनमें बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है और जीरो ईगो, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अरे बस बस भाई, अब क्या रुलाएगा। और अमित भाई मुझे 10 लाख रुपए देने वाले है नया स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए, फिर उस बाइक से कंटेंट निकाल के मैं मर्सिडीज ले लूंगा, और फिर मर्सिडीज से कंटेंट निकाल के मैं बुकाटी ले लूंगा। अबे भाई बाकी सब तो ठीक है, पर मैंने तुझे कब बोला कि तुझे मैं 10 लाख रुपए दूंगा? अच्छा नहीं बोला था, सॉरी माय मिस्टेक, तो बोल दो। अरे इप्पू बेटा क्यों परेशान कर रहा है उसे? ओए अमित भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। ठीक है भाई भेज देना, मैं जब गेम ओपन करूंगा तब एक्सेप्ट कर लूंगा। अमित भाई बिग फैन यार, प्लीज मेरे को वी बैज दे दो। अरे भाई वी बैज तो आईडी में होता है, ऐसे वी बैज नहीं दे सकता। ठीक है तो फिर अपनी आईडी दे दो, कोई ना काम चल जाएगा। रे चुप कर छोटू, मैं क्या बोल रहा हूँ अमित भाई, आपके पास तो 3-4 चैनल्स है, उसमें से एक मन्ने दे दो। अरे सबको दे रहे हो तो फिर मुझे भी दे दो बीमा। अरे यार ये लोग तो पीछे ही पड़ गए, कुछ करना पड़ेगा। अरे चल ना बेटा, हम दोनों 1v1 कस्टम करते हैं। अरे नहीं मुझे 10 लाख रुपए दे दो। ओए फ्रेंड लिस्ट में ले लो, ओए वीडियो दे दो मुझे। रे एक यूट्यूब चैनल दे दो, बीमल दे दो। अरे वो देखो सामने अज्जू भाई है, जल्दी जाके उनका फेस रिवील कर दो। बाबू मौसा क्या कहा, अज्जू भाई है? अरे साइड में हटो, मुझे भी देखने दो। बीमल यही सही मौका है, कट लेता हूँ यहाँ से। अरे अमित भाई ने तो बुद्धू बनाया हमको, यहाँ कोई नहीं है। रे आ भाई, अमित भाई तो कार लेके भाग गए। ओए बाबू क्या आपको पता है, अमित भाई को मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, और फिर मैं उनको बोलूंगा कि वो आपकी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ले। तो गाइस यार मैं उस पिंकी भाई से सुख के घर वापस आ गया हूँ और एडिटिंग पूरी कर ली है। मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो बाय। ओए अमित भाई थैंक यू मेरी बाबू की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। अरे अमित भाई तो फिर मेरी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट ले लो ना यार। उम्बा उबू उबू, इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब ये है कि पिंकी मिल गया रेड क्रिमिनल, जल्दी से ट्यूब लगा दे इसको।